सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक तोमर। और कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि किस तरीके से मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था, और आप सभी लोगों ने भर भर कर वोट्स किए। उन सभी वोट्स के लिए दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। देखिए, मैंने आपसे पूछा था कब और कैसे कंप्लीट हुए, तो कब का जवाब तो मैं आपको एक लाइन में दे सकता हूँ, लेकिन कैसे का जवाब देने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और हाँ, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए सीखने को यहाँ पर बहुत कुछ है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो से। मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी 16th of September 2019 में, एंड दैट वीडियो वाज अबाउट MATLAB सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि मुझे डे वन से क्लियर था कि मुझे एजुकेशनल वीडियोस ही अपलोड करनी है। तो इसी तरीके से आपको भी पता होना चाहिए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब तक मैं फर्स्ट वीडियो को अपलोड कर चुका था, और अपलोड करने के बाद आपको उस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। देखिए, शेयर क्यों करना पड़ता है, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ आपको शेयर करना पड़ता है। स्टार्टिंग में वही लोग आपकी मदद करते हैं, वही लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी वीडियोस पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको एक मोटिवेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपके स्टार्टिंग में 5 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपके पास स्टार्टिंग में 50 या फिर 100 या फिर कहीं 150-200 सब्सक्राइबर बेस तैयार हो जाता है। आपको एक मोटिवेशन मिलता है, सो दैट कि आप आगे और वीडियोस बना सकें, नहीं तो आपको डिमोटिवेशन हो जाएगा, ठीक है? अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं होंगे, कुछ व्यूज़ नहीं होंगे, तो आप वहीं पर वीडियोज़ को बनाना बंद कर देंगे। तो इसीलिए उस शेयरिंग को करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका था, अपलोड कर चुका था, लगभग 30 से 40 वीडियो मेरी बनकर तैयार थी, अपलोड थी, लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे, काम नहीं बन रहा था, ठीक है, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे थे। और इतना सब कुछ करने के बाद लगभग 250-300 के आसपास सब्सक्राइबर बेस था, और व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम थे, तो बात नहीं बन रही थी। तो मुझे लगा कि यार अब बात नहीं बनने वाली है, गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि YouTube आपको एक साल देता है, तो कम से कम एक साल तो ट्राई करना ही चाहिए, ठीक है? जब आपको YouTube सामने से ऑफ़र कर रहा है कि चलो मैं आपको एक साल दे रहा हूँ, तो कम से कम एक साल तो ट्राई करना बनता है। उसके बाद चाहे आप गिव अप कर दो, कुछ भी कर दो, और अगर आपका पैशन है तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? यू नेवर नो कि आपका जो कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है, कब काम कर जाए। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। स्टिल समथिंग वाज नॉट वर्किंग, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि यार कौन सी ऐसी चीज़ है जो काम नहीं कर रही है, और मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, कोरोना वायरस एक बम की तरह चाइना से गिरा इंडिया पर, और सब कुछ तहस नहस कर दिया। बट आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड आई स्टार्टेड अपलोडिंग मोर वीडियोज। तो मैंने क्या किया, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि चलिए मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ, सो दैट कि कम से कम वीडियोस अगर आपकी बढ़ती हैं, ठीक है, तो होगा क्या, व्यूज़ भी आपके अल्टीमेटली ग्रो हो जाते हैं। बट स्टिल यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, समथिंग वॉज मिसिंग। लेकिन क्या मिसिंग था, मेरे समझ से बाहर था। तो इतना सब करते करते सितंबर से मई मंथ आ चुका था, और मेरे हाथ से 8 महीने फिसल चुके थे। अब मेरे पास जो टाइम बचा था वो सिर्फ 4 महीने का था, और इन 4 महीने के अंदर ही मुझे चैनल को मोनेटाइज करना था। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो मेरा पूरा का पूरा एक जो साल है वो बर्बाद हो जाता, ठीक है? उसके बाद मुझे नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता, जो कि बहुत ही दुखदाई होता, ठीक है? तो ऐसा बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। तो एक दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच दी। उस स्पीच के अंदर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्लोगन दिया। वो स्लोगन ये था कि हर इंडियन को
वोकल फॉर लोकल बनना है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आपके लोकल वेंडर्स होते हैं वहां पर जाकर आपको सामान खरीदना है, ठीक है, यानी कि आपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदना है और चाइना का सामान नहीं खरीदना है, ठीक है। देखिए, उन्होंने ऐसा मुंह से नहीं बोला था, लेकिन इनडायरेक्टली उनका कहना यही था कि आपको चाइना का सामान नहीं खरीदना है और जो इंडियन सामान है उसको आपको प्रमोट करना है, ठीक है। अल्टीमेटली होता क्या है, जब आप इंडिया का सामान खरीदते हैं तो आप इंडिया की तरक्की में योगदान देते हैं। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और मैं लोगों को बताऊंगा कि ये सभी ब्रांड्स जो हैं वो इंडियन ब्रांड्स हैं और ये सभी फॉरेन ब्रांड्स हैं। देखिए, सुनने में आपको बहुत आसान लग सकता है कि आपने सिंपली यहाँ पर लिस्ट आउट किया होगा, लेकिन मेरा मकसद था कि उस वीडियो के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना, ठीक है। किस तरीके से, आपको मालूम है कि उस टाइम पर लोगों के मन में चाइना के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो मैंने क्या किया, मेरी वीडियो के अंदर उस गुस्से को चैनलाइज किया है। अब मैं आपको उस वीडियो के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि मैंने आपको लिंक नीचे दे दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब आप उस वीडियो को देख लें तो कमेंट करना मत भूलना कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस वीडियो को अपलोड करने के बाद क्या हुआ। जिस दिन मैंने उस वीडियो को अपलोड किया उस दिन मेरे सब्सक्राइबर थे 300, ओके, और नेक्स्ट डे मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए 500, यानी कि 200 सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके थे। उससे नेक्स्ट डे 600 हो गए, उससे अगले दिन 700 हो गए, उससे अगले दिन 800 हो गए, उससे अगले दिन 900 हो गए और नेक्स्ट डे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे। तो मैं आपको बता दूं कि 5th of June को मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे 1000, और वॉच टाइम जो है वो बाद में हुआ, 16th of June को मेरा वॉच टाइम जो था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। तो फाइनली 16 June को सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम दोनों कंप्लीट हो चुके थे। तो उसके बाद मैंने रिव्यू के लिए मेल किया और आप यकीन ही मानोगे, सिर्फ 20 घंटे में मुझे सुबह मेल आ गया कि आपका चैनल क्वालिफाई हो चुका है, आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो सेम डे मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया और थोड़ी ही देर बाद शाम को एड्स आनी स्टार्ट हो गई। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कहानी कि किस तरीके से मैंने अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कराया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूँ, अगर आप कोई नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका नीश, यानी कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जिस तरीके से मैं वीडियोस बनाता हूँ, एजुकेशनल वीडियोस, ये मेरा नीश है, तो इस तरीके से आपका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 2 में मैंने रखा है वीडियो एडिटिंग को। देखिए, आज के ज़माने में अगर आपको यूट्यूब पे आना है तो आपको वीडियो एडिटिंग स्किल्स आनी चाहिए कि किस तरीके से आपको वीडियो एडिट करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, किस तरीके से आपको थंबनेल डिज़ाइन करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 पर मैंने रखा है कंसिस्टेंसी को, यानी कि आपको रेगुलर वीडियोज़ डालनी पड़ेंगी कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं करना है कि आज आपने वीडियो डाली और 2 महीने बाद आपको याद आ रहा है कि आपने एक चैनल स्टार्ट किया था। तो मैं आपको बता दूं कि YouTube को ऐसे सरप्राइजेस पसंद नहीं हैं, नेवर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। इस पॉइंट की खास बात यह है कि दिस पॉइंट इज वेरीफाइड बाय दीपक तोमर। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है एक्सपेरिमेंटल फेज। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जनरली जो वीडियोज़ बनाता हूँ वो होती है एजुकेशनल वीडियोज़, लेकिन जो वीडियो वायरल हुई थी वो वीडियो ऐसी नहीं थी जो जनरली मैं बनाता हूँ। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे अलग थोड़ा वीडियो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको इतनी भी तबाही नहीं मचानी है कि आपका यूट्यूब चैनल ही बंद हो जाए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि क्लेम नहीं आना चाहिए, स्ट्राइक नहीं आना चाहिए, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, फिर कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हर किसी का अपना एक वजूद होता है, हर किसी का अपना एक वजूद होता है, क्योंकि कोई आपसे बेहतर भी होगा, कोई आपसे ज़्यादा समझदार भी होगा, लेकिन कोई भी आप जैसा नहीं होगा। तो आप अपनी कदर करना सीखो।
मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आप इसी तरीके से अपना साथ और प्यार बनाए रखिए। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।